पिछले कुछ दिनों से सोच रहा था कि मैं एक ब्लॉग बनाऊं जिसमें कि मेरा गांव और गांव में होने वाला क्रिकेट को मैं दिखा सकूं। सो टुडे आई विल टॉक अबाउट आवर विलेज एंड क्रिकेट। और हमारे इंडिया में इतना सारा कंटेंट होने के बावजूद भी हमें समझ नहीं आता कि हमारा अगला कंटेंट क्या होने वाला है। इसके लिए ये वीडियो थोड़ा लेट आई है, तो उसके लिए सॉरी फॉर डैट। और बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कोई सर्फेक्सल नहीं है जो दाग अच्छे होंगे। अगर आप भी मेरी तरह एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि गांव का कल्चर और शहर का कल्चर कितना डिफरेंट है। यहां पर आज भी आपको पानी के लिए वो पुराने कुएं देखने को मिलेंगे, और यहां के पुराने मंदिर, यहां का पुराना वातावरण और हरियाली, खेत खलिहान, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शहर के लोग यहाँ मिस कर देते हैं। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाना ज़रूरी समझा। तो सीन भी कुछ इसी प्रकार हैं, 120 fps, स्लो मोशन, सिनेमैटिक सीन्स। अब इनके बिना तो ये कहानी भी अधूरी रहेगी और गांव का ब्लॉग भी। तो गांव के ब्लॉग में हम सिनेमैटिक सीन ना दिखाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखिए अभी म्यूजिक भी आ रहा होगा। मतलब कुछ नहीं, ब्लॉग बनाने के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है जो हमें फेस करनी पड़ती है वो है कंटेंट। हमें समझ ही नहीं आता क्या कंटेंट बनाए आज हम क्या लिखें। पेन लेके बैठते हैं कुछ स्क्रिप्ट लिखने के लिए तो भूल जाते हैं क्या लिखें, आज क्या बनाएं, आज क्या ना बनाएं। अभी तक 32 वीडियो बना चुका हूँ, मेरे सामने बोले नहीं जाता यार अच्छे से, कितना बोलो वो। लेकिन 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 जब तक हम हैं और हमारा ये यूट्यूब चैनल है और इस ब्लॉग चैनल में आपको कुछ ना कुछ देखने मिलता रहेगा। तो जब मैं गांव का ब्लॉग बना रहा था तो मेरी नज़र पड़ी एक पेड़ पे जो कि कुछ लोग कहते हैं कि 180 साल पुराना है। तो अभी मैं आपको जब शंकर मंदिर के पास ये पेड़ मिला तो मैं आप इसको पेड़ को रिव्यू करने वाला हूं आपके सामने। ये वो पेड़ है जो 180 साल पुराना बताया जा रहा है। आप इसकी हालत देख सकते हैं, इसमें एक भी पत्ते नहीं लगे हुए हैं, शायद ये पतझड़ की वजह से झड़ गए होंगे। लेकिन ये पतझड़ अगर होता तो ये बाकी पेड़ में जो पत्ते होते वो भी झड़ जाते हैं। लेकिन आखिर इस पेड़ में ऐसी क्या खास बात है जो इसके पेड़ के पत्ते सारे गिर गए हैं। जी हाँ, ये है हमारा गांव। और इस गांव की कहानी को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारा गला सूख गया। जब समर वेकेशन का टाइम हो और आपको प्यास लगे तो आप कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्राई कीजिए। क्यों नहीं समझे, चलिए समझाते हैं। चुस्की बनाने के स्टाइल से आपको पता चल गया होगा कि गांव की इकोनॉमी और शहर की इकोनॉमी में काफ़ी डिफरेंस है, और एक बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि शहर की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है और गांव की इकोनॉमी लगातार घटती जा रही है। दिल्ली में आपको ने सुना होगा एक आंदोलन हुआ था जो कि किसान आंदोलन हुआ था, इसमें कई किसानों को उनका पैसा नहीं दिया गया था। और इकोनॉमी बढ़ने का एक बड़ा मसला ये है कि किसानों को उनका जो अनाज की वैल्यू उनको मिलनी चाहिए वो अनाज की वैल्यू मिल नहीं पाती। अगर वो मार्केट में अपना वीट या फिर कुछ अनाज ऐसा बेचने जाएं तो उनको जो रियल प्राइस उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इस कारण उनको दिन ब दिन उनको रेट मिल नहीं पाते हैं और उनकी इकोनॉमी घटती जा रही है। जो भी अनाज बोया जाता है वो इन्हीं सभी छोटे गाँव में बोया जाता है और फिर इन छोटे गाँव से निकल के ये अनाज जो जाता है वो शहर में जाता है, फिर इनकी सप्लाई की जाती है। तो वीडियो के कंक्लूजन में ये मैं यही कहने वाला हूँ कि गाँव और शहर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि अगर अनाज गांव में नहीं बोएगा तो शहर वाले क्या खाएंगे। सिक्के के दो पहलू और इतनी सब बकवास करने के बाद मैं वीडियो के आखिरी में मुझे कुछ सीन याद आ रहे हैं, और सीन्स एक मूवी के हैं क्योंकि मैंने हाल ही में एक मूवी देखी है जो जिसका नाम है स्वदेश।
तो ये जो सीन है इसका सीन बहुत बेहतरीन है, इसलिए मैं आपको ये सीन को रिकमेंड करूंगा देखने के लिए। रिकमेंड नहीं, मैं खुद ही आपको दिखाने वाला हूँ। और इससे पहले मैं शाहरुख खान की कोई मूवी नहीं देखता था, लेकिन जब से मैंने ये मूवी देखी है और उसमें शाहरुख खान की एक्टिंग देखी है, तो उनकी एक्टिंग काबिल तारीफ है। जिन्होंने केवल एक शब्द ना बोलते हुए उन्होंने कितनी गजब की एक्टिंग की है, तो ये भी आपको देखने लायक है। तो आप इसको देखिए पहले, फिर हम अपने ब्लॉग का आगाज करें। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने अपने गांव के ऊपर बात की है, लेकिन क्रिकेट भी हमारी ज़िंदगी में एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये गांव ही नहीं बल्कि ये शहर, पूरी दुनिया इससे क्रिकेट की दीवानगी है। और क्रिकेट इज लव, ये जो दीवानगी है सबके सर पर चढ़ के बोल रही है। देख रहे हैं आप, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो लेट्स एंजॉय। यहाँ पर हमारे गांव के लोगों के नाम भी बड़े बड़े विचित्र हैं। आप जैसा देख सकते हैं, पंचायत भवन है, ग्राम पंचायत रामपुर, ओ सॉरी सचिवालय, जय हिंद। यहाँ ध्वजारोहण होता है 26 जनवरी को। और अगर हम गांव के नाम पढ़ें तो छेरेलाल, हेरीलाल, राम प्रकाश, गोड़ा, शिव, गुलाम, रज्जन, राम बिराड़ी, रामकिशन, गुड्डू, सेवालाल, श्यामलाल, जगन्नाथ, खेपिल, छिद्दा, सुखलाल, शिवचरण। देख सकते हैं आप कैसे कैसे विचित्र नाम नाम हैं। ये पहले के जमाने नाम रख जाते हैं, आज का जमाना मॉडर्न है, थोड़ा अलग नाम रखे जाते हैं आजकल।